वो रहा है वो तुम्हारी हम खुशी के ना चलो मेरे से दुनिया चलें चल। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम मिला है। क्या इंपॉर्टेंट काम है वो भी देखना, लेकिन उस इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी चाहिए होते हैं। तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये देखो ये। और हाँ, वो इंपॉर्टेंट काम ऐसे नहीं होगा, उसके लिए यूनिफॉर्म चाहिए होती है। यूनिफॉर्म ये लो तुम लोगों की यूनिफॉर्म। अब आप सोच रहे हो कि हमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम मिल गया। जल्दी चल जल्दी। तो ये है वो इंपॉर्टेंट काम। कल गेहूं कुटे थे तो अब ये जो भूसा निकला है ये पूरा समेट कर एक कमरे में भरना है, जो कि बड़ी मम्मी की भैंस के काम आएगा। ये अपने बल का प्रयोग करते हुए भूपेंद्र भैया। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी ये समेट दिया जाएगा। हम दोनों दमदार बंदों को दमदार काम मिला है। क्या दमदार काम मिला है? हमें गेहूं के कट्टे उठा उठा के एक साइड करने हैं, जिन्हें सिर्फ हम दोनों के अलावा और भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों आसानी से कर सकते हैं। पहले इस अनाज की टंकी को बाहर निकालते हैं। अब इन गेहूं के कट्टों को भूस के अंदर दबा के रख देंगे, जिससे कि ये खराब ना हो। इन सारे गेहूं के कट्टों को उठा उठा कर यहाँ रखना है। तो चलिए मेन काम शुरू करते हैं। अब वैसे तो कई बार बता चुका हूँ, ये हमारा मिनी किचन गार्डन है। इसमें हम रोजमर्रा की सब्जियां उगाते हैं, जैसे ये बैगन, ये पालक लगे हुए हैं, और वो पीछे पूरी टमाटर के पौधों की फौज खड़ी हुई है। अरे हमारा ट्रक लोड तो उड़ता हुआ, ये है हमारा बोलवो का ट्रक। हमारा बोलवो का ट्रक डिलीवरी लेके जाता हुआ। बारी बारी से सभी लोग एक एक भूस की पोटली कमरे तक डिलीवर करके आएंगे। आप सोच रहे होंगे सर बहुत ज्यादा वजन होता होगा, लेकिन सच बताऊं तो इसमें बिल्कुल वजन नहीं होता, बस देखने वाला लगता है। थोड़ा दरवाजे से देख दाख के निकलना पड़ेगा। और नोको 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 और बस ले तिला। खुला बुद्धि तो चलिए चलते हैं। अब की बार जो मैंने उठाई है सिर पे, इसमें बहुत वजन है। इस वाली में थोड़ा ज्यादा वजन है, ये बड़ी है पिछली वाली से, पिछली वाली छोटी थी। बस तो कमरे में भर दिया, लेकिन फिर इसे पैरों से खूंद खूंद कर दबाना पड़ता है। अब आइए ठीक ठाक बंदे की बारी। बारी बारी से सबकी चेन बनी हुई है। डैडी भैया ने तो बिना भैया सोचते थे क्यों कह रहे सीधे फेंक देते। तो आपको कैसा लगा? फिर बिना किसी वजह के मेरे और ठीक ठाक बंदे के बीच घातक युद्ध हो जाता है। और ये ठीक ठाक बंदा बहुत ही हिम्मत करके कुछ अटपटी हरकत करने जा रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। काम चोरे नंबर के दे मगर तभी हमारे बीच एंट्री होती है हमारे हरेश भैया की। इन्हें नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और भैया आपको अपना स्वागत कैसा लगा? फूल तो नहीं थे हमारे पास, लेकिन फूल से बढ़िया चीज दी आपके लिए। बहारो फूल तो नहीं है, बुस बरसाओ, हमारे भैया जी आए हैं, हमने तो बरसा दिए। और ये हमारे हरेश भैया अंग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनके विरोध में उतर गए हैं।
सनी देओल है, सनी देओल। ये है हमारे सस्ते सुपरमैन हेनरी केविल, देख सकते हैं छाती पे, छाती पे पूरा अमेज़न फॉरेस्ट लेके घूम रहे हैं। हाँ, एक बार ये उसमें खो गए थे। ये पकड़ ले। ऐसा लग मेरे को ऐसा कि अरे रुक, तू पावन पकड़, भैया ना आता ना पकड़ अंदर, अरे पावन पकड़, अरे पावन बात चिड़ई, जल्दी जल्दी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आह अल्लाह, अब भागी, आ गई, अल्लाह पावन पकड़, जल्दी, अब भैया टेढ़े मेढ़े आ गए, ओ एनाकोंडा नहीं एनाकोंडा, आजा पकड़ ले, और ना पकड़ ले जल्दी, आह ई कौन कौन कौन, और ये आह और ये रैंडी ऑर्टन पकड़ लिया गया है, आह ई जी आइए, अब फीट चली गई। और यहाँ पर हमारे भैया पापड़ बनते हुए और ठेस उद्दी है। अरे पावन पकड़ लो तेरी कसम भाई, अब पकड़ो ये, पकड़ ले पावन, पकड़ ले पकड़ ले, अब पकड़ ले, अब भैया तुम आता ना, चढ़ ले, फोन करेगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आ जाएगा, उसको हम ले लेंगे इस दोनों को चीज़ों को। और लगे ए चिड़ी रुक जा, इधर आ, ए पकड़ सास के पावन ने, दे ले, तू बेड़ा बेक आ रहा है, वीडियो ना मैं पकड़ूंगा, ए वीडियो ना, आजा, आजा। और मुझे भूसे के अंदर पटकने की इन लोगों की नाकाम कोशिश। दुनिया का सबसे कामचोर इंसान ये है। ओ भैया, और क्या भैया, आया हमारे लिए पनीर के पकौड़े बनाने, भैया तुम्हारी मदद कौन करेगा? मैं। चुप रह, पानी कौन पिलाएगा तुम्हें? मैं। मिर्च का डिब्बा कौन बताएगा? मैं। पनीर काट के कौन देगा? मैं। प्याज के बारे में कौन बताएगा? मैं। और अमेज़न में कौन खोएगा? ये भैया मैं हूँ, मैं आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो पहुंचने के लिए कपड़ा कौन बताएगा? मैं। या तू जा, चलो पानी पियो, लंच पानी, सिक्योरिटी के संग आया हूँ क्या? पानी ये हमारे बड़े भैया हैं, भूपिंदर भैया, ले लो सरमाए का ब्लॉग मांगे खाओ, तुम छिलका खाते हैं। तो जब तक हम सभी भूसा ढो रहे हैं, हमारे हरेश भैया हमारे लिए कुछ बना रहे हैं। भैया क्या बना रहे हैं हमारे लिए? पनीर पकौड़े। ये भैया जी हमारे लिए पनीर पकौड़े बना रहे हैं। तो पनीर पकौड़े में क्या डालता है? पनीर पकौड़े हमने डाला है यहाँ पे केवल लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी। क्या पनीर पकौड़े में पनीर भी डालते हैं? नो, पनीर पकौड़े डालते हैं प्याज। पनीर पकौड़े में प्याज डालते हैं, बहुत ही अच्छा पकौड़ा होता है। भैया जी हमें अपने लिए पनीर पकौड़ा चाहिए विदाउट पनीर एंड बेसन, क्या ऐसा पॉसिबल है? आई नीड अ पनीर पकौड़ा विदाउट पनीर एंड बेसन। अच्छा, और वो पकौड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, तो भैया जी कंसीडर सिंपल बेसन का पकौड़ा बना देंगे। हमको सर बेसन नहीं चाहिए। बेसन भी नहीं चाहिए, तो सोचना पड़ेगा आपको। ये सोचेंगे, सोचने दीजिए। ये आ गया पनीर, ये काटा पनीर। फिर क्या, मैं और हरेश भैया पनीर पकौड़े बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। और ये भैया ने दिल बनाकर चेक किया, देखने में तो पनीर के पकौड़े काफी सुंदर लग रहे हैं। और काम खत्म करके ठेस बुद्धि और टिकटक बंदे भी आ चुके हैं, और अब ये दोनों थोड़ा अपना इंजन गर्म कर रहे हैं। तो नहा धो के तो मैं मस्त फ्री हो गया, और 2 बजे मुझे आज वीडियो अपलोड करनी है दिल्ली वाली। कई दिन हो गए, संडे हो गया था और आज थर्सडे है, और मतलब लेट इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा था और फिर बाद में मेरा माइक खराब हो गया तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाया। वीडियो अपलोड करने मुझे साइबर कैफे पर जाना पड़ता है क्योंकि हमारी एरिया में भी वाईफाई की केबल नहीं है। मैंने कई लोगों से बात करी है, वाईफाई वालों से कि यार लगा दो वाईफाई वगैरह, कहते कि केबल नहीं है फिर खर्चा ज़्यादा आएगा, दूर से केबल डाल के लानी पड़ेगी। क्या लगा तो अभी एक से बात करिए, वो कह रहे थे कि 2-3 दिन में तुम्हारे यहाँ वाईफाई हम लगवा देंगे। तो चलो साइबर कैफे पे चलता हूँ,
ठीक ठाक बंदा तो कॉलेज गया, ठेस बुद्धि है, उसी को उठाते हुए चलता हूँ। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, धूप निकल रही है भयंकर चिलचिलाती हुई। गली के नुक्कड़ पर बुलाया था ठेस बुद्धि को, पता नहीं कहाँ जाके बैठा है। पुनिया कहाँ है? पंकज बालाजी का, बालाजी तो पुनावरड़ तो अपनी दुकान पे है नहीं, बालाजी गया। चल चला, मैं ना चला रहा हूँ। आप मोटरसाइकिल चलाने के योग्य और हम योग्य लोगों को अपनी योग्यता साबित करने का मौका देते हैं। यार मैं एक आदत कहूँ, खुशूस है यार दोनों यार। चल आगे, उतरो यार, ले यार उतरो मुंह पे नीचे। भैया भी मैं नहाया हूँ नहाने, साइबर कैफे की दुकान पर आते ही फुर्ती से अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। ₹10 में अनलिमिटेड वाईफाई। भैया कतई यार, भैया गोरा है तुम्हारी हम बस मजे आए लो, अब ना नायर में कच्चा के नहीं जा। टाटा टाटा चप्पल दे बाल यार करवाए, मुंह देखियो का पैर मुंह देखियो। इतने छोटे सैंडल कौन के भैया के हैं? ठीक है तो बाल यूं करवा, गाय गाय पत्ते मुंह पे काय के का कांगी की चप्पल का है? हैं कांगी की चप्पल, चप्पल टूटी तेरी चप्पल टूट गई तो पे गाली क्यों पड़ दी है? क्यों दूसरे की ने पे तू ना। अच्छा चल ठीक है, दब समझाऊं। हां 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 तू सुना हैं कोचिंग? वेरी गुड, दोनों दोनों यार ठीक है। हाँ तो ठीक है फिर सटक लो जल्दी। छोड़े ना यार, बाय बोलने आए हैं। किनारे आ रहा था, रो तो मुझे कोई आया हो, मुझे कोई आया हो को रो तो मैं मन दूध पीछे आता है और कोड़ आया कोई सामने। भाई मम्मी कह रही, क्या कह रही? मैं दूध पीछे आता है क्या मुंह का वाले तो अमित दे दे थी पैसा कोई से कोई आया रोहित पैसा को आया दूध के। ठेस बुद्धि को उसकी मम्मी ने दूध का हिसाब करके पैसे दिए थे कि जाइए पैसे दिया और उसने खो दिया, ₹1400 खो दिया उसने। शाम को ये दोनों आते हैं और पापा की कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो ठीक ठाक बंदा कमर दबा रहा था पापा की। कितने खोए? पता नहीं फिर बताई चो नहीं कहुए। चप्पल नहीं तो जूतों में लेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्या, आराम से चला, आराम से राइडर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं धूप से बहुत चमक रहे हैं, खिल गया चेहरा धूप से। तो अभी ठेस बुद्धि को चप्पल दिलाने आए हैं, देख रहे हैं कौन सी चप्पल ले आया। अभी जैसी चप्पल ले जी, देख ले देख कितनी में ये वाली चप्पल मुझे सबसे बेकार लगती है, इन्हें देख के मैं छपरियों का ध्यान आता है। तुम कह देना सुनो, ये ज्ञान ने दूसरे ने दी करो। छपरी सुनकर ठेस बुद्धि ने अपना मन तुरंत बदल लिया और फाइनली से ये वाली चप्पल पसंद आ गई। चले आओ तो जैसा कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो ठीक ठाक बंदा माला ले जा रहा है पूजा करने के लिए। तो अगर मैं माला नहीं करने जाता तो पापा मुझे माला बना देते। थोड़ा गोल गप्पे खाने का मन कर रहा था तो रुक गए साइड में। आटे भाई सूजी भाई आटे भाई गोल गप्पे खाकर फिर हम सीधे अपने घर के लिए निकल लेते हैं। अगर पहले इन्हें छोड़ कर आता हूँ इनके घर। चारा चल घर पहुँच कर मेरी बहन मुझसे कहती है इसकी फ्रेंड के यहाँ पे आज देवी जागरण है तो हमें बहुत ही मन से इनवाइट किया है। yes, और yes, कार्ड भी दिया है व्हाट्सएप पे। किस किस को इनवाइट किया है? मुझे इनवाइट किया है सबसे मेन, मुझे किया है ठेस बुद्धि को, टिक टाक बंदे को, हम सभी को इनवाइट किया है। mm.
पूरी। अभी ये वाला नाम को भी तो गई बोला फोन करके भाई की दुकान पर बैठे थे। आई, ओ, आई, ओ, चलो चलो जल्दी चलो। और ये हम पहुंच जाते हैं। नमस्ते। तो यहाँ आज देवी जागरण है, पूरा घर सजा हुआ है इनका। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और सच बताऊं तो इतनी इज्जत तो मुझे कभी मेरे घर पे नहीं मिली जितनी मुझे यहाँ मिली। अब तू मुझे ये बताएगा कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ और मैं कितने बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, जो मैं कभी नहीं कर पाता है। ये छोटा सा बच्चा मेरा बहुत तगड़ा फैन है, ऐसा ये बोल रहा था। और फिर बारी आती है खाना खाने की। खाना पीना खाकर सबसे मिलजुल कर फिर हम अपने घर को निकल लेते हैं। तो आपको कैसा लगा अपने मित्र से मिलकर? घर पे तो शायद सो गए सभी, अभी नहीं सोए। तो पढ़ेगी तो उतनी हो नहीं पढ़ेगी? पढ़ेंगे। तो जा फिर पढ़। तुम पढ़ते थे? मैं तो हाथ पैर अपने पकड़ लेती हूँ कि मत पढ़। मैं तो लाली मत पढ़े, फायदा में रहेगी। ठीक आ रही है, ठीक। चलो। नेक्स्ट। ओह तो बहुत दुखद की बात है। देखिए इससे ज़्यादा लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप कैसे जाइए?